हमारे साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो गई है और राहुल गांधी निकल पड़े हैं पद यात्रा पर, क्या मैसेज कांग्रेस पार्टी देना चाह रही है? देखिए, शानदार आगाज हुआ है, पूरे देश भर के लोग आए हैं, उत्साह देखते बनता है, क्योंकि जिस मकसद से निकले हैं राहुल गांधी, पूरे देश के लोगों का ध्यान उसी तरफ गया है, क्योंकि प्यार मोहब्बत भाईचारा सब चाहते हैं देश के अंदर। और ये जो नफरत की राजनीति शुरू हो गई है, तनाव की राजनीति शुरू हो गई है, हिंसा की राजनीति शुरू हो गई, उससे लोग, मैं समझता हूँ, अब तंग आ गए हैं। वो गए थे वहाँ पर साबरमती आश्रम, गए गांधी जी का सत्य अहिंसा का संदेश लेके रवाना हुए, श्री पेरम्बदूर गए जहाँ उनके पिता की हत्या हुई थी, वहाँ उन्होंने कहा कि मेरे पिता की हत्या हो गई घृणा और डर के मारे, मैं चाहता हूँ देश जो है बच जाए इस घृणा से, नफरत से, हिंसा से। जिस व्यक्तित्व का उद्देश्य ये हो तो वो यात्रा तो सफल होनी होनी है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो सामाजिक ताना माना जो कमजोर हुआ देश का, ये यात्रा उसको जोड़ने का बहुत बड़ा काम कर पाएगी, मेरे को विश्वास है। सर, क्योंकि आप एक राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दल का जो सक्सेस का पैमाना है वो चुनावी जीत होता है। लगातार 2014 से आप लोगों की विधानसभा में परफॉर्मेंस, कुछ स्टेट्स छोड़ दिए जाएं तो बड़ी खराब रही, लोकसभा में खराब रही, तो कहते हैं कि ये यात्राएं जो हैं बड़ी हेल्प करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को रिवाइवल में। आपको लगता है 2024 में कांग्रेस का रिवाइवल इस यात्रा से हो जाएगा? देखिए, मेन उद्देश्य यात्रा का मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम अनेकता में एकता वाले मुल्क में हैं, जो गांधी का सपना था उस ढंग से हम लोग चलें। संविधान के अंदर जब अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया, उसकी जो मूल भावना है उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग देश चलाएं। जब हम शपथ लेते हैं MLA, MP, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तो शपथ में जो शब्द लिखे हुए हैं उस शब्दों को अगर हम लोग आत्मसात कर लें, आधी समस्या समाधान हो जाएगा। दुर्भाग्य से हम लोग शपथ लेते हैं, शपथ में चलते नहीं हैं। सबका साथ सबका विकास कह तो दिया, परंतु चल कहाँ रहे उसके ऊपर? ध्रुवीकरण कर रहे हैं, जाति धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, तो लोगों में भय पैदा होता है, हिंसा का माहौल बनता है, तनाव होता है, नफरत पैदा होती है, वो नहीं होनी चाहिए। तो कठिन वे करनी मंत्र इन लोगों के, उसका मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी निकल पड़े हैं। अब राहुल गांधी निकल पड़े हैं तो 24 की बात हम लगातार कर रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के चुनाव भी होने हैं, आपको लगता है उन्हें बतौर अध्यक्ष भी कमान पार्टी की संभालनी चाहिए, हालांकि आपका नाम भी चलता रहता है जब तक? देखिए, मेरा मानना है कि आज भी पूरे रैंक एंड फाइल कांग्रेस की, पूरे देश के अंदर, वो चाहती राहुल गांधी अध्यक्ष बने, और हम सब चाहते हैं कि उनको अध्यक्ष का पद स्वीकार करना चाहिए। एक ठीक है, आपने मॉडल ग्राउंड पे इस्तीफा दे दिया, परंतु जब मांग है आपकी, एकजुटता है आपके नाम पर, तो कांग्रेस के इंटरेस्ट के अंदर भी, देश के इंटरेस्ट के अंदर भी, तो देश का फ्यूचर भी कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी देश के अंदर है जो संविधान को आधार बना के शासन करती आई है, उसी ढंग से वो सबको साथ लेके चलती है, सभी धर्म, सभी जाति, सब वर्गों को, सभी भाषा बोलने वाले लोगों को। ये लोग तो आप देख रहे हो ध्रुवीकरण कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आज भी राहुल गांधी जी को आगे आके कमान संभालनी चाहिए। ऐसा कहा जा रहा था गैर गांधी अध्यक्ष होगा तो पार्टी जो है, ये भी बात बीच में चली थी, आपको लगता है उसकी संभावना भी है? देखिए, संभावना से मैं इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि डिपेंड करेगा कि राहुल गांधी जी अल्टीमेटली क्या फैसला करते हैं, परंतु मेरा मानना है कि ये जो मोदी जी ने 8 साल पहले से नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत, अब इनके अध्यक्ष नड्डा साहब कुछ बोलते हैं, ये लोग कुछ बोलते हैं कि यात्रा यहाँ क्यों करें, पाकिस्तान में जाके करनी चाहिए यात्रा। आपने तो तोड़ दिया था भारत को विभाजन, कांग्रेस ने किया यात्रा को जो है, क्यों करें यात्रा, क्या मकसद इनका? मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, पाकिस्तान बना धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पे बना, कि मुस्लिम धर्म हमारा अलग है, पाकिस्तान बन गया, क्या वो एक रह पाएगा? जो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो वो एक रह पाएगा क्या?
ये बासा वाले लोग अलग अब बात करेंगे, रशिया में 16 देश बन गए, रशिया के टुकड़े हो गए, 16 टुकड़े हो गए, क्यों हो गए? बासा के नाम पे हो गए, धर्म के नाम पे हो गए। क्या इस मुल्क को आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मुल्क एक रहे, अखंड रहे, जिसके लिए इंदिरा गांधी ने जान दे दी अपनी, राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बेंजिन जी शहीद हो गए, ज्ञात अज्ञात कितने लोग मारे गए थे उस वक्त में, पर देश एक रहा, अखंड रहा 75 साल तक। ये इनको बात नहीं सोचनी चाहिए, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं लोग, तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े क्यों हुए? तो मुस्लिम राष्ट्र था, भाषा के नाम पे हो गए, उर्दू बोलने वाले थे बांग्लादेश के अंदर, ये पंजाबी बोलने वाले लोग थे, हो गया कि नहीं हो गया? ये खतरा इनको नहीं दिखता है क्या, RSS को और BJP को? मैंने स्टेटमेंट दिया, मेरी आलोचना भी हुई, पर मैं कहना चाहूँगा सच्चाई है, सच्चाई है कि आने वाली पीढ़ियों को आप क्या दे के जाओगे, ये मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे थे कि देश को तोड़ने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत है और इसीलिए ये यात्रा कांग्रेस पार्टी निकाल रही है। कैमरा राहुल ध्यानी के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया TV, कन्याकुमारी।